नमो वर्गकारं नमो सिद्धारं नमो वाच्यं नमो वचारं नमो लोहिसंकारं सिद्धात्मान वन्दितं साधुमुक्तं मंगलं वन्दे चन्द्रशेखरं मंगलं भगवान मंगलं गौतम मंगलं कुलवृंदादिवसंमंगलं सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं सदानं सर्वधर्माणां मूलं साधनं नमः संसाराय सांसाराय हवाय हवाय अमृताज जी का मुख्य श्लोक आपने पढ़ा होगा। वेद ज्ञान को तब तक भाना जब तक ज्ञान ज्ञान न प्रतिष्ठित न हो जाता। अभी वेद विज्ञान निजमचन जा रहा, वेद ज्ञान को तब तक भाना अच्छिन्न रूप से जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, ज्ञान की प्रतीति न हो जाए। ये मैं कहा ज्ञान ज्ञान में बड़ी प्रकार से स्थित न हो जाए, लीन न हो जाए। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित से इससे बड़ी प्रतिष्ठा क्या होगी। ज्ञान की ज्ञान में प्रतिष्ठा जितनी नहीं समझी वही बारी प्रतिष्ठाओं में लोभित होता है, वही जगत की झूठी प्रतिष्ठा को चाहता है। ज्ञान प्रतिष्ठित हुआ ज्ञान में क्या बच गया। इस ज्ञान को तब तक निरंतर भाना बीच में मत छोड़ देना। ये कोई कार्यक्रम नहीं है, चार दिन आठ दिन का पूरा हो गया। लोक में जैसे इलाज तब तक करते रहते हैं जब तक स्वस्थ न हो जाए। और एक बात तेरे कही थी, देखो कुपथ से तो बीमार हुए और दवाइयों से स्वस्थ होने की आशा करने वाले भी और वो रोज डॉक्टर बदल लेने वाले भी कभी स्वस्थ नहीं हो पाते। रोज डॉक्टर बदलो, रोज दवाई बदलो, एक्सपेरिमेंट करते हो स्वस्थ नहीं हो पाते। पहले तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि शुद्ध आत्मा की विराधना होने वाला पाप, शुद्ध आत्मा की विराधना से होने वाले रोग शुद्ध आत्मा की आराधना से ही मिटेंगे। कोई उपाय नहीं। आयुर्वेद में लिखा है शुद्ध आत्मा की विराधना से होने वाले रोग सैकड़ों औषधियों से भी ठीक नहीं होते। एक बात बता, तुम्हारे मेडिकल में कोई मिथ्यात के रोग की औषधि है, कसाय के रोग की औषधि है? नहीं है। तो कसाय से होने वाला दुख को मिटाने की औषधि कहाँ से हो? Thank you.
शुद्ध आत्मा की आराधना करने का संकल्प, शुद्ध आत्मा के आराधकों की संगति, बहुमान, उनके जीवन का विचार, उन्होंने अपनी आराधना किस प्रकार की, विषम परिस्थितियों में पुण्य के उदय में आराधना कैसे होती है, पाप के उदय में आराधना कैसे होती है, सोचो। पुण्य के उदय में अटक गया और पाप के उदय में भटक गया तो आराधना नहीं कर पाए। शुद्धात्मा की आराधना करनी है। अरे क्लाइमेट तो ये उस तरह का, शुद्धात्मा की आराधना करनी है तो शुद्धात्मा के आराधकों की संगति भी करनी है। कुसंग में रह करके, मोह के पर्वत पर रह करके शुद्धात्मा की आराधना करोगे, क्या करोगे? अगर तुम्हें वास्तव में शुद्ध आत्मा की आराधना करनी है, कैसे तो सिंहपाल जी कहती रहे गुणमाला से, अरे सबने देखा समुद्र से निकले हैं ये सब हमारे कुटुंब परिवार वाले, अरे आप ही ऐसी बातें कर रहे। अंत में उसने कहा, कौन है सिंहपाल जी, अगर तुम हमारा सही परिचय जानना चाहती हो तो रेन मजीषा के पास जा। शुद्ध आत्मा का सही परिचय जानना चाहती हो तो जिन शासन पकड़ो। नास्तिकों को छोड़ करके आत्मा को सब कहते हैं, सब मानते हैं। कैसा आत्मा उपाधि है और कैसी आत्माओं को आत्मा उपाधि होता है, ये तो सही बात है। नियम शास्त्री का सूत्र है, गाथा है, उपाधि मरोपा, आत्मा को आत्मा ही उपाधि। लेकिन सीता में कैसी आत्मा को आत्मा उपाधि है और कैसा है आत्मा जो उपाधि है। सदा काल उपाधि रहने वाला आत्मा सदा काल होने वाला होगा, अनादि अनंत ही होगा। आत्मा स्वयं आनंदमय न हो और वह उपाधि हो आनंद, ऐसा नहीं होता। मिठासमय मिश्री ही मिठास का कारणभूत हो सकती है। आनंदमय आत्मा ही आनंद का कारण हो सकता है, और कौन कारण होगा? कैसा है आत्मा व उपाधि है बताओ। उपाधि का मतलब ग्रहण करने योग्य है, आश्रय करने योग्य है। कैसा आत्मा है वह? भावांतरों से न्यारा है, उसी के आश्रय से भावांतरों से न्यारे हो पाओगे। हमें न्यारे रहने हैं, कौन से? मम्मी पापा न्यारे होने, भैयन से न्यारे होना है, कौन से जी पता ही नहीं। न्यारे होने में मानो किसी और ही को और से भिन्न बताता है। वर्णाज और रागाज से निज भाव को न्यारा, न्यारे होना है तो न्यारा देखो, न्यारे देखोगे तब न्यारे हो पाओगे। स्वच्छंद जीवन के कारण अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए माता पिता से, भाई वंश से, कुटुंब परिवार से न्यारे हुए, बात का मतलब है असुरक्षित हो गए, दुखी हो गए, तुम्हें पता ही नहीं।
न्यारे हुनाए बना जो रागा के निर्भाव को न्यारा किया, बनाधिक से और रागाधिक भावों से आत्मा को न्यारा दिखा देखा सो उन्होंने किया। किया का मतलब क्या है? तद्रूप परिणमन करना, तद्रूप परिणमन होना, उसका नाम न्यारा किया और उस रूप देखा। अरे दृष्टि निर्गंध सा की भावना तुम सोचते हो, निर्गंध दृष्टि को नहीं सोच पाए। पत्ते सिंचन कल भी कहा था आज भी कहा, भैया पत्ता सिंचने से वृक्ष हरा भरा नहीं होगा, फल नहीं खा सकोगे। भावांतरों से न्यारा है, औपाधिक भावों से न्यारा है। अनादि अनंत आनंद रूप पूर्ण पवित्र है, वही आत्मा उपाधि हो सकता है। अज्ञानी का माना हुआ देह और आत्मा एक मान लिया उसने, वो उपाधि नहीं है। आत्मा उपाधि इसका अर्थ कहीं ये मत लेना, वो तो एक भाव उपाधि, भाव उपाधि भगवान तो मेरा आत्मा उपाधि। और किसको उपाधि आत्मा होता है? आदि जी का इसमें है, आदि जी का किनको आत्मा उपाधि होता है? क्या हमें हमारे लिए भी आत्मा उपाधि है? अरे नहीं भाई, सोचो तो भाई, जो वैराग रूपी शिखर के शिखा बने पर द्रव्य से परांगमुख स्वद्रव्य से तीक्षण बुद्धि वाले जीवों को आत्मा उपाधि। आत्मा जिन्हें उपाधि होता है उन्हें एक दशा होती है, उत्कर्ष वैराग स्वद्रव्य में शिक्षण बुद्धि। विचार करो आत्मा उपाधि, अरे ये अद्भुत ग्रंथ है। अशरीरी देखने के लिए है, अशरीरी बताने वाला है, अशरीरी करने वाला है। अशरीरी होंगे हम इसे और अशरीरी को देखेंगे, देखे वो साधक है और पर्ण में दो जाता शुरू वशिष्ठा अशरीरी। अरे सिद्ध भगवान ही अशरीरी होते, भगवान ही अशरीरी होते, आत्मा भगवान भी अशरीरी है। अशरीरी सिद्ध भगवान, अशरीरी शुद्ध आत्मा भगवान नहीं है। अगर शुद्ध आत्मा अशरीरी न हो तो सिद्ध भगवान किसकी आराधना करके अशरीरी हुए? पूज्यपाद स्वामी कहते देह को अपना मानने के कारण ये जीव संसार में भ्रमणता है। जब देह को भिन्न जानता है तब मोक्ष मार्ग शुरू होता है, और देह से भिन्न अपने स्वरूप में रमता है तब मोक्ष मार्ग पूरा होता है। अगर तुम अपने को वास्तव में आत्मा मानते हो तो वास्तविक बात कुछ और है। दाल के फल अलग हैं और पाल के पके हुए अलग रहे। सवेरी कही थी ना, धर्मात्मा दिखना है कि धर्मात्मा बनना है, ये सोचो पहले। धर्मात्मा दिखना जितना सरल है, धर्मात्मा बनना उतना ही पुरुषार्थ है। कठिन नहीं है, पुरुषार्थ है।
धर्मात्मा अगर तुम्हें दिखना है तो 10-5 क्रियाएं कर ले तो धर्मात्मा बड़े धर्मात्मा हो जाओ, 2-4 श्लोक और वो याद कर ले तो बड़े ज्ञानी हो जाओ। धर्मात्मा बनना और धर्मात्मा दिखने में अंतर है जी। ध्यान रखना ये जीवन धर्मात्मा दिखने के लिए नहीं, धर्मात्मा बनने के लिए। कैसे बना जाता है धर्मात्मा? धर्मी के आश्रय से। आत्मा जब पर से विमुख होकर स्वसन्मुख होता हुआ अपना अनुभव करता है तब वह साक्षात धर्मात्मा बन जाता है। मनी पर्याय परिणति में धर्म प्रकट हो जाता है। एक अपने लक्ष्य बनाना, हमने कहा था दो बातें, एक तो सिद्धांत रहित जीवन और एक लक्ष्य विहीन जीवन, कोई मतलब का नहीं। अरे व्यापार में भी सफल हुआ अपने सिद्धांत से, लक्ष्य से कोई भैया इतना बड़ा ग्रंथ कौन पढ़ेगा, इतने काय को पूजा लाग रहे हो, एक एक गाथा रोज पढ़ दे आप कुछ दिन पूरा हो गया पता नहीं पड़ेगी। क्यों कर चुका बोझ रहती हो, जब इतनी रुई है तो उसको झुलने वाली इतनी बड़ी मशीन है भैया, तुम ही अकेले नहीं हो तो इतनी रुई कौन धुलेगा, इतनी रुईया कौन धुलेगा। जब इतनी रुई है तो इतनी धुलने वाली मशीनें भी है बड़ी बड़ी। ये तो दृष्टांत है, रुई और मशीन थोड़ी बता रहे हूँ जी। विश्व में जितने द्रव्य हैं उतने द्रव्य तो हैं कि नहीं, उतने वस्तु तो हैं जितनी वस्तुएं हैं कि नहीं हैं, तो बस ठीक है। फिर तुम काय को पूजा डाल रहे हो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आत्मा का स्वभाव देखने बस देख न जाना, बस तुम देख जान सकते और कुछ नहीं कर पाओ। पाप के उदय में प्रतिकूलता आएंगी, पुण्य के उदय में अनुकूलता आएंगी। जैसे पाप के उदय में प्रतिकूलताएं न चाहने पर भी आती हैं, पुण्य के उदय में अनुकूलताएं न चाहने पर भी आएंगी। यदि समृद्ध दृष्टि को हे समझने पर भी भगवंतों का बहुमान आता है, बस धारण करने का भाव आता है, जंगल में जाने का भाव आता है, आता है करता है, आता है, आए बिना रहता नहीं। साधर्मी का प्रेम आता है, स्वानुभव होने पर तत्वों के प्रति निशंकता आती ही है, अन्याय के भोगों के प्रति भी निर्वांछकता आती ही है, हमें नहीं चाहिए। जिसे संबंध समझा उसे कोई सिखाता नहीं है, हमें इंद्रादिक पद नहीं चाहिए, उसको निर्वांछकता आती है, ऐसी उसको ज्ञान में प्रतीति हुई, ये सब धूल है। ग्लानी नहीं आती, हमारे मुनीश्वरों को देखकर जिनके सामने चांदा ला करके खड़ा हो गया, इस चुका से आए हुआ भगया भगया यहाँ से कोई देख न ले, ऐसा नहीं कहा। ज्ञानी नहीं आई और उसने छिपाया नहीं, कह दिया हम चोर हैं हम चांदा हैं, और तो ये उसको धर्म उपदेश दिया, पाप में छह का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद कहेगा पापन छे उसको धर्म लाभ,
जो जैसा जीव है वैसा जीवासी विदानी कहां कही, उनको नियम भी बताए। ग्लानी नहीं ही आती, जो धर्मात्मा होता है स्वानुभवी होता है, ये कोई उपाधि नहीं है स्वानुभवी पंडित। ये यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है तमिल दर्शन, ये आत्मा का निरुपाधिक भाव है। जिसे स्वानुभव होता है उसे किसी की बातें प्रभावित नहीं करती, वो बातों में नहीं आता, अपनी निंदा प्रशंसा में धर्म नहीं गमाता, समय नहीं गमाता। पराई निंदा में और प्रशंसा में, अपनी प्रशंसा में समय नहीं गमाएगा, किसी की बातों में नहीं आएगा। तुमसे कोई कहे मिश्री को कड़वी मान ले, इनकी बातों में आ जाए कड़वी मान लोगे, मान ले नहीं मानोगे। अरे कोई पितृजर वाला कहेगा भी तो तुम कहोगे तुम्हें पितृजर हुआ इतनी कड़वी लगती है, मिश्री तो मीठी है। आत्मा पर्याय दृष्टि के कारण, संयोग दृष्टि के कारण तुम्हें दुख रूप लगता है, आत्मा दुख रूप है ही नहीं, किसी की बातों में नहीं आना। अमूल कौतूहल भी नहीं हुआ, ये क्या दिखा दिखाई गई है। अरे का देखने लायक, विश्व में देखने लायक एक शुद्ध आत्मा है, व्यवहार अलग है। शुद्ध आत्मा को दिखाने वाले दर्पण, अभी दोपहर में तुम्हारी क्लास चल रही थी, हम पढ़ रहे थे, दर्पण उसे कहते हैं जिसे दर्प नहीं हो, जिसमें अभिमान दर्पण न, दर्प नहीं हो, हीरा बेड़े में जिम प्रतिभाषित हो रहा है, तुमका समझे तो, सोना मेरे में प्रतिभाषित हो रहा है, तुमका समझे तो, दर्प नहीं है। काशी शब्द अलग है, गेयों को जानते समय भी गेव से किन गेव से किंचित प्रभावित नहीं होते, विक्रिया उत्पन्न नहीं होती, दर्प नहीं होता। नारकी जीवों को देखते हैं अपने ज्ञान में प्रत्येक, उन्हें कुछ नहीं आता, क्रोध नहीं आता, ये कैसे जीव है, अरे ऐसे ये नारकी ऐसे ही होते, और का देव को नारकी कहोगे तुम, ये कैसे दुष्ट है, अरे दुष्ट ऐसे ही होते हैं, लेकिन सज्जन को देवी दुष्ट नहीं देखते। ये कहने का मतलब दृष्टि में सज्जनता बसी है, उनको सत का जिन्हें ज्ञान है ऐसे सज्जन पुरुषों को दुष्ट भी दुष्ट नहीं दिखते, भगवान आत्मा दिखते, भूले भगवान दिखते, और उनकी भूल भी अभी नहीं निकल जाएगी, समय पर निकले। पंडित बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा, क्या हुआ बनारसी दास जी लोगों की बातों में आकर के आस्ती फास्ती सब सीख गए, उनको लोगों ने समझाया था, कह रहे तुम काका तो, और नहीं माना। फिर पांडे जी आए, उन्होंने गोमर सारा गुणस्थान चर्चा पढ़ाई, तब उनकी समझ में आई और माना, तब उन्होंने एक छंद लिखा, कहे दोस्त को ना तजे तजे अवस्था पा, जैसे बालक की दशा तरुण भय, तुम का जानो। एक छोटी सी बालक को पास में बैठा रहे, छह दफे कहने पर ये कम से कम
सीधे बैठो सीधे बैठो सीधे बैठो चुप बैठो हल्ला मत करो। छेदों में कम से कम कहने पड़े कितना देर। तो ये बालक की दशा ही है। बालक अगर निश्चल हो गए तो आश्चर्य है, चंचल है तो कोई आश्चर्य नहीं। नारकी अगर दुखी नहीं हो तो अगर तुम दुखी होगी। देवों का सुख देवों के समान, सिद्धों का सुख सिद्धों के समान, आत्मा का सुख आत्मा के समान। इसका मतलब आत्मा का सुख सिद्धों के समान नहीं है, नहीं। क्यों? सिद्ध भगवान के आश्रय से सुख नहीं होता, आत्मा के आश्रय से सुख होता। नारकियों का सुख नारकियों के समान, दे ज्ञान है। त्रियंशों का सुख त्रियंशों के समान, कैसे जीव है? अरे ऐसे ही होती है। चार पांच तुम खाओ ये कैसी गाय है? गाय ऐसी होती। तुम खाओ जी भैंस कैसी भैंस है? भैंस ऐसी होती नहीं होती। तो फिर तुम गाय को कैसे जी कैसी आदमी? हम तो एक घंटा समझा रहे हो तुम मानता नहीं। भैया नहीं मानने वाला जीव है वो। अब आप जीव ऐसे ही होते, दूरान दूर भाग्य ऐसे ही होते। विचार करो मरीज का जीव और आदिश्वर भगवान नहीं मानी तो नहीं मानी। और तुम तो कहो बे बे तो भगवान थे, विचरागता थी उनमें तो। अरे भरत में तो नहीं थी, यही तो तुम गलती कर रहे हो। भरत में भी थी, भरत को भी अनंतानंदी राग नहीं था। इस राग में पर को बदलने का भाव होता है। हम कह रहे मालिक मानता नहीं कि मान सकता नहीं, मान सकते नहीं उस समय। क्यों? चौबीसवा तीर्थंकर कौन होगा? पूरे चौथे काल उसे रोलना है। बड़ी खराब हो मानते ही नहीं हो। अरे मान मान सकते नहीं, विश्व में कहीं भी करने की गुंजाइश नहीं है। कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा कर्तत्व का अहंकार मिथ्या है। तुम जल्दी से करना चाहते हो। हम पूछते हैं एक बालक 9 महीने में गर्भ में रहता है, उसके बाद जन्म होता है उसका। अब जल्दी 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 कैसे? तीन सीटी में बनने वाली सीखने वाली घास एक सीटी में कैसे बनेगी तुम्हारी? तुम जल्दी करना चाहते हो। एक माँ आकर के रोने सी लगी, दुखी होने लगी। पंडित हमने कहा भैया का बात भाई बोलो, आपको तो मालूम है ये लड़का के पिताजी कैसे छोड़ गए थे छोटू से, और कैसे हमने पाल पोस से बड़ो करो और पढ़ाओ लिखाओ। अब जब भाई बात ही नहीं मान तो कोई सुनता ही नहीं। छोटे पर तो बड़ा मानता, तो हमने कहा तुमने बड़ा किया के वर्ष में 20 वर्ष में 20 वर्ष का किया के 5 वर्ष में 20 वर्ष का किया, ये बता। और तो छोटे पे तो मानता था, अब छोटो का क्यों? जो बड़ा कर सकता है वो छोटा नहीं कर सकता, और जो छोटा नहीं कर सकता तो बड़ा कैसे करेगा? ये जो पत्ता जोड़ नहीं सकता वह तोड़ कैसे सकता है? अनर्थन। जब तुम जिंदा नहीं करने का अधिकार तुम्हें, तुम नहीं कर पाओगे तो मार कैसे सकते हो? ये सता अभिमान को छोड़ो। होनहार का विचार करने पर ही अपने को समता आती है, हैं? होनहार का विचार करने पर समता आती ही है, और तुम्हें समता ही चाहिए। अगर समता चाहिए तो तुम्हारी होनहार का विचार कर लो।
छोटी है, इनको होनहार के भरोसे छोड़ दो, ये राज्य कैसे चलेगा? ये 6 महीने का बाद नाती राज कैसे करेगा? बोझा लेकर के मत जाओ। कर्तव्य का अहंकार बहुत दुखी करता है, और ये समझो अपने विकल्प के अनुसार कार्य तभी बन जाए पुण्य के उदय में, पाप के उदय में विकल्प के अनुसार कार्य नहीं बनता, उल्टा उल्टा और होता है। लेकिन पाप के उदय में अपने विकल्प के अनुसार कार्य न होने पर भी अज्ञानी जीव का कर्तव्य नहीं छूटता, रूदय का दोष दिखाई देगा, कहीं तुम कमजोर कैसे हो गए, अब क्या करें, इन्हें खाने ही नहीं दो, 3 दिन से दूर ही नहीं मिलो, इसकी योग्यता ऐसी है ये नहीं दिखाई देगा, इस देह की कमजोरी से मैं कमजोर कहा। हाँ वास्तव में कमजोर हो गए, और सुख दूर के बिना कमजोर हो गए, इनकी चिंता के मारे कमजोर हो गए, इनको क्या होए? ये भीतर घुसी है, और स्वाद दिव्या पर रखा उसका आएगा कि थाली में रखी उसका आएगा? थाली में लड्डू भी रखी है और मिर्ची भी रखी है, और खा रहे हैं मिर्ची तो स्वाद का आएगा? जिसका वेदन करोगे आत्मा के रहते हुए भी अगर पुद्गल का वेदन करोगे तो दुख का वेदन होगा। आत्मा के रहते हुए आत्मा का वेदन नहीं करो तो सुख कहां से होगा? सत्ता में रहता हुआ आत्मा सुख का कारण नहीं बनता, अनुभव में आया हुआ आत्मा, उपासित होता हुआ आत्मा सुख का कारण बन जाता है। कारण रूप परिणमता है, कार्य रूप परिणमता हुई, क्यों सोचते हो? एक बात सिद्धांत की याद रखना भाई, जिनवाणी के विरुद्ध सोचना भी पाप है, बड़ा पाप है। जिनवाणी के विरुद्ध सोचो भी मत, और जिनवाणी कही तो जिन देव के विरुद्ध मत सोचो, जिन गुरु के विरुद्ध मत सोचो, वस्तु स्वभाव के स्वरूप मत सोचो, ये क्या भेद है? बातें कही है, जिनवाणी के विरुद्ध सोचना भी पाप है। हम तो सोचे तो नहीं, अरे तुम सोच रहे हो वो जिनवाणी के विरुद्ध ही है, जिनवाणी में कहां लिखा है करता है, और तुम सोच रहे हम कर लेंगे, तुम कैसे कर लोगे? न होते हुए कार्य को भगवान नहीं कर सके, तुम कैसे करोगे? और भगवान अनंत परमात्मा करता नहीं है, इसका अर्थ हो गया सिद्ध भगवान स्वरूप भी करता नहीं, आत्मा भी करता नहीं, ऐसा मत सोचना अधूरा अधूरा, ये भगवान करता नहीं होते भगवान, अरे अपन भी करता नहीं है, यही तो विपरीत है कि अपन करता नहीं है और करता मान रहे। दुख का कारण क्या है? कर्ता न होने पर भी कर्ता मानना। पहला अधिकार बोलो समझदार, अभी हमने दूसरा बोल दिया, तीसरा बोल दिया जाकर के तुम्हारी किसी अपेक्षा है? हाँ, एक न होने पर भी एक मानना, ये दुख का कारण है। देह आत्मा एक नहीं है, एक मानना ये दुख का कारण है। जो कुछ ये हम कह रहे अकृत्रिम चैतन्य में, कल दृष्टांत दिया था, खड़े हो जा बीच में,
करने के ही काम का है। ये दीवारें खराब हो रही हैं, इनकी पुताई हो जाए तो अच्छी है, क्या करोगे? बस सुबह देखो बस और कुछ नहीं। जब आकृतन के प्यारे में करने के लिए अवकाश नहीं है तो आकृतन भगवान आत्मा में करने के लिए अवकाश कहां गया? आकृतन विश्व में करने के लिए अवकाश कहां गया? हमें कपनो काम करने अपना काम अपने में अपने घरे काम का है ये तो बताए। करना है करना मिट जाता है, जाके फल करनो मिटे, छुटे कर्म कूदा, जाके फल करनो मिटे, कृतकृत हो जाता है, बस दिखाई नहीं दे करने लायक कुछ का दिखाए। जिसका तुम अभाव करना चाहते हो, सुनो, जिसका तुम अभाव करना चाहते हो जबरदस्ती जी देखना उसका पहले से ही अभाव है। जिसको तुम प्रकट करना चाहते हो जबरदस्ती देखो पहले ही प्रकट, प्रागेव शुद्धम प्रागेव ज्ञान रूपम। प्रागेव कितना प्राचीन, अनादिकाल से हमें कथाओं का अभाव करना है। इस वक्त में तुमने कर लो अहंकार की कथाओं का अभाव करो, अभाव कथाओं का अभाव करना है ईमानदारी से, तो जिसमें कथाएं नहीं है उस शुद्ध आत्मा को देखो, स्वास्थ्य से कथाओं का अभाव हो जाएगा। अरे अभाव हो जाएगा जी तो कहने की बात है, आविर्भाव ही नहीं होगा। अब तो इनका ऐसा भाव करना है अब दोबारा उत्पन्न न हो कभी। ओ भगवान, कभी उत्पन्न नहीं हो तो कभी है ही नहीं, उत्पन्न कहां से होंगी? करना माने मरना, डिक्शनरी का अर्थ नहीं अध्यात्म का अर्थ समझना। करना माने मरना, जिसे करना है उसे वो मरना है ये समझिए। और लिखा है ये यूं भाव कर्म या भाव बना, बोलो लिखा है यूं भाव कर्म या भाव बना। भाव कर्म को ही भाव बनता, भाव कर्म को भाव मनन क्यों कहा जी बताओ पहले। द्रव्य कर्म का कारण है इसलिए उसे भाव कर्म का, ठीक है, और आत्म स्वभाव का तिरुभाव करने वाला इसलिए उसको भाव मनन का। आत्मा का घातक क्रोध भाव कर्म है कि भाव कर्म मरण है, दोनों ही। क्रोध अपने ज्ञानानंद स्वभाव का घात करता है इसलिए भाव मरण, और क्रोध द्रव्य क्रोध का बंध का कारण है कर्म का इसलिए भाव। वो भाव कर्म है कि भाव मरण, ये यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया। कैसे? जल कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रंत है, मैं रागी चेती हो देता जब पढ़ना जो होती। यूं भाव कर्म जब जड़ की ओर देखता है तो जड़ सन्मुख परिणाम का नाम भाव मरण है, भाव कर्म है। जड़ के सन्मुख जो परिणाम है उसका नाम भाव कर्म है, उसी का नाम भाव मरण है। जैसे गीतराजी भगवंतों के नाम कितने ही होते
स्वरूप ही नहीं है। बुद्ध वीर जिन हरे ब्रह्मा या उसको तुम जहां कुछ करो हमें सम्मान नहीं है, लेकिन भीतराग धर्म होना चाहिए। तो ही जिन्हें तो बुद्ध है तो बुद्धि के प्रमाण से, तो ही जिन्हें शंकर हो जगत है विधान, तो ही विधाता है सही नम हमें। हाँ और आगे अब समझ दो आप, तुम्हें पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी मर्यादा में, आठ हजार की मर्यादा में पड़ी पानी की मर्यादा दो घंटा की, छह घंटा की, तीन घंटा की, बात चौबीस घंटा की, बस चीजें आधा की मर्यादा तीन दिन की, पांच दिन की, चार दिन की बच्चे देखते तुम्हारी मर्यादा वो है खत्म। अरे जैन साधन किसको कहेंगे, आठ हजार की मर्यादा तो श्रावक के लिए है भैया, ये तो जैन धर्म का शरीर है, आत्मा छोड़ ही है। अपनी मर्यादा को पीछा अनाज में वस्तु में भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित होती, कोई किसी के आदमी कोई किसी के पर्ण माने की पर्ण। जैसे कोई मुर्दा को जिंदा माने और सुखी होने का उपाय करे, सारे उपाय मिथ्या है। तुम क्या कर सकते हो बलभद्र जैसा जी, कंधा पे लादे रहे छह महीने, नवा रहे दुबारे बुला रहे जंगल में रह गए, तुम क्या करोगे? लेकिन ये कोई उपाय है? क्या उपाय है? मुर्दे को मुर्दा मानकर अब ये जिंदा करने से जिंदा नहीं होगा, जिंदा नहीं होगा माने जिंदा जैसी चेष्टा नहीं करेगा। इसमें जो नैमित्तिक कार्य होते थे जीव के होने पर, वे जीव के होने से चले जाने पर अब वो नैमित्तिक कार्य नहीं, अब ये नहीं बोलेगा। क्या कान में बोलो क्या मुंह से बोलो, क्या भैया वो नहीं बोले, वो जोर से बोलो क्या धीरे बोलो, चाहे पानी डालो और चाहे घी डालो वो नहीं खाएगा। अरे तुम्हें जी लड्डू तो बहुत अच्छी लगती, खा ली नहीं खाएगा। सुखी होने का कोई उपाय है क्या? हाँ सब जानते, मुर्दे को मुर्दा मानकर उसका संस्कार करे और अपना उपयोग समेत के अपने काम में लगो और क्या करो? कोई उपाय नहीं है कि उसके पीछे हम क्या करेंगे, उसके संग मरोगे, मरे के संग मरोगे, मरे के संग करोगे तो मरे जैसे हो जाओगे, लेकिन मर नहीं पाओगे। क्या कह रहे? मरे जैसे हो जाओगे मर नहीं पाओगे, मने महा दुखी होगे। भाव मरण कहा, वास्तव में मरण नहीं होगा। कहाँ मरण होगा? मरने की कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं है, नहीं है। अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं, ये समझ नहीं। इसलिए जो मर करके दुख से छूटने की कल्पना करते हैं वे पापी हैं, मिथ्यादर्शी जो हैं उनका सुलझना भी कठिन है। जो मर करके सुख की कल्पना करते हैं याद तो मर जाए, अरे मर तुम क्यों मर गया, मोग मारो। और मारने का भाव क्यों करती हो तुम? मोग जानो क्या ये मोह मेरा स्वरूप नहीं, कुछ मोह मेरा नहीं, उपयोग केवल
तुम्हारा कार जानने का है कि मारने का? जानने का। समय से पहले तीर्थंकर भी अपने ऊपर होने वाले उपसर्गों को दूर नहीं कर पाए। समय से पहले समय आया, उसी समय गुरु धर्मेंद्र आए, पदोन्नति आए और बसों में जो उपसर्ग दूर हुआ, केवल ज्ञान हुआ, कबर का कल्याण हो गया। बताओ तब वो पहले क्यों नहीं आए? उपसर्ग होने का है बोलो। अवध ज्ञान कहाँ चला गया था? तुम्हें ये लगता है कार्य रुका है, आधा तो हुआ है, कोई रोटी बनाए वारो नहीं था, रोटी नहीं बन रही, गेहूं तो रखे हैं, बिजली चली गई था, आटा नहीं पीस रहा, चक्की कल आज का कुआ में पानी नहीं है। अरे पानी तो है, अब क्या करें, कैसे निकालें, कैसी बैठी बिजली है नहीं। सोचो, इसलिए नहीं रुका है कार्य तो उसका कोई कर्ता नहीं, उसका नियामक कर्ता नहीं, तब समय की योग्यता नहीं उस कार्य के होने नहीं है, तुम पैदा नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे करोगे? जैसे कर्म योग का सिद्धांत है, समाचार जी ने दिया है, तुम कर्म तो दे नहीं पाओगे तो उसे सुख कैसे दोगे? तुम कहते हो हमने सुखी कर दिया, हमने जो बहुत गरीब आदमी तो हमने आसमान पर चढ़ा दिया और धनवान बना दिया। अच्छा तो जाके उदय के बिना की आके उदय होने पाए, उदय के होने पर बनाया है तो तुमने क्या बनाया? तो कर्म तो जीता नहीं, ऐसे ही तुमने कार्य किया है तो होते हुए कार्य को किया है ना होते हुए कार्य को किया है? ना होते हुए कार्य को किया तो किया ही नहीं, और होते हुए कार्य को करने का अभिमान किया और कुछ नहीं किया। बोलो प्यार करो, किया क्या है? एक न होने पर ही एक मानना, ये मोह का प्राण है। जिन्हें जिन्हें एक दिखाई देता है मोह है, बस एक कभी नहीं, दो द्रव्य कभी मिलकर के एक नहीं होते, और एक से दो नहीं होते। ये तो व्यवहार की भाषा, एक दो कर दिए ना और फाड़ के दो कर दिए तो क्या हो, कछु नहीं रहे। सौ के जग के दो कर दियो तो सौ सौ के दो मिलेंगे, पचास पचास के दो मिलेंगे। भाई सौ में से दो कर दोगे तो कोई फाड़ के दो तो कराओगे नहीं, और सौ सौ के दो मिलेंगे नहीं तो पचास पचास के दो तो उसमें पहले ही है। एक रुपए में सौ रुपए में पचास पचास के दो हैं कि नहीं? दस दस के दस नोट हैं कि नहीं? उसमें पैसा है कि नहीं है? तुमने क्या करे? ना होते हुए कार्य को तो कोई करता ही नहीं, और होते हुए कार्य का भी अज्ञानी अभिमान करता है। इस जीव का अज्ञान यही है कि जीव करता तो है नहीं, करता मानता है। अगर करता हो गए और करता मान ले तो अज्ञान का फिर तो ज्ञान हो जाएगा ना। करता हो गए और करता माने तो ज्ञानी हो गए। अज्ञानी का वो इसलिए है कि कर्ता नहीं है और फिर भी कर्ता मान, एक नहीं है और फिर भी एक मान रहा है। अमृतसर स्वामी ने प्रसाद सिद्धि पाए में इसको भव का बीज कहा है।
भव्यम एवं कर्म कृतय परिणामे रसमायितो वियुक्तेव। भिन्न होने पर भी एक जैसा भाषित होता है, ये भव का बीज है। और बीज जानते हो, बीज को वो तो फसल हुई और नहीं जला दी तो क्या फसल। बट का बीज यह करके भी हो, इस बीज में एक वृक्ष है, इस बीज में एक वृक्ष है, वृक्ष में अनेक बीज हैं, एक एक बीज में एक एक वृक्ष है। अरे है हाँ करते ही बीज जरा के वही का है कभी तो नहीं, अनंत संसार है भैया, बस खत्म तो करते गए थे, है ही नहीं ऐसे भाव जैसे कभी भाव ही नहीं है। हाँ यही तो है, यही कला है, इसका नाम आप उनको जान बनो तो सम्यक ज्ञान कला। इस बीज में एक वृक्ष है कि नहीं? अरे हम बोएंगे तब तो होए, वो नहीं बोए तो सम्यक चारित्र की महिमा नियम ताजी टीका में लिखी है, जिसके बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उठार में रखे हुए बीज के समान है। क्या करेंगे, एकत्व की अनुभूति दुख का कारण है, एकत्व की प्रतीति दुख का कारण है। एकत्व मानने पर और जानने पर जो उसको बदलने का भाव होता है, भिन्न भिन्न करने का, वह दुख का कारण है। अब तो हमें कर्म को नाश ही करने हैं, यह है दुख का कारण। मोजे कर्मों का बंद होता है। अरे क्या कहें, थोड़े भीतर घुसो, शुद्ध रहे को पहचानो। कर्म का बंद आत्मा में कैसे होता है? आत्मा में कर्म का बंद होता ही नहीं, आत्मा उसे कहते हैं जैसे भूल में से कर्म का बंद होता है। क्रोध से दुखी होता है, अरे दुखी को क्रोध आता है, पहले तुम दुखी भाई तब क्रोध आया, पहले तुम दुखी भाई तब मान आया। अगर दुखी नहीं होगी तो ये विवाद नहीं उत्पन्न होगी। सारा रोका रोग ज्ञान में जलता रहेगा और फिर भी मोह उत्पन्न नहीं होगा। पराश्रय से होने वाला मोह पर के कारण नहीं होता। और ये बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, तुम्हारे पक्ष में है। अगर पर के कारण हो जाए और तो फिर मिटाने में इस पर का सहारा चाहिए, फिर तुम कैसे मिटाओगे? ये जबरन करा देंगे मोह, ये जबरन राग उत्पन्न करा देंगे तुम्हें। ओ भैया हम तो देखने गए थे, ऐसा बीमार, इतना कमजोर हो गया, बिल्कुल ऐसा ऐसा देखो नहीं यार। हमने कहा तुम्हें देखना नहीं आता इसलिए नहीं देखा यार, स्वभाव के आश्रय से देखो, जाकर के देखना ये कोई उपाय नहीं। आत्मा से विमुख होकर पर को देखने जाएगा तो मोह उत्पन्न होगा। आत्मा में रहकर के पर को देखेगा मोह उत्पन्न हो ही नहीं सकता, सारा विश्व दिख गया। पर के आश्रय से मोह होगा, उसका कारण भी पर पदार्थ नहीं है, उसका कारण भी तेरा ज्ञान है। विचार करो, जम्बू स्वामी का वैराग्य हमारा वैराग्य बने। हम ये कह रहे हैं बीच में मत छोड़ देना, तब तक विचार करो जब तक अपन विरक्त न हो जाए। क्या कह रहे हैं, तब तक विचार करना जब तक विरक्त न हो जाए।
अब कहाँ तक चलने हैं? हे भैया, जब तुम्हारी मंजिल 12 किलोमीटर है तो तू 1 किलोमीटर में ही थक गई, कहाँ तक चले? 100 किलोमीटर से चले आए तो 100 किलोमीटर चले आए तो एहसान कर दोगा? तुम्हारी मंजिल तो 12 किलोमीटर है, चलते जाओ अभी तो, अबे तो कछु नहीं हो। सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी कहा, अंतिम सीढ़ी तो नहीं कहा। सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी कहा कि अंतिम सीढ़ी कहा? पहली है तो शिलान्यास क्या क्या उद्घाटन का, और कौन मूर्ख ऐसा होता है जो शिलान्यास के बाद निश्चिंत होकर बैठ जाए? शिलान्यास करते समय भी वह उद्घाटन की पूरी दृष्टि देख रहा। सम्यक दृष्टि जीव अगर मोक्ष मार्ग देखता है तो क्या है? अरे मोक्ष मार्ग के सारे भाव आएंगे अभी तो, और वे भाव भी आएंगे और उनके साथ भी बहुमान आदि भाव भी आएंगे। तुम घबराना नहीं, ये दवा खाओगे तो उल्टी हो रही तुम, और जब तक उल्टी करते रहना जब तक बिल्कुल पित्त निकल न जाए, कड़वी ना हो, जब तक साफ पानी ना आया। कहते थे डॉक्टर वैद्य के नहीं, हमारे भगवान भी कह रहे हैं भैया बीच में मत छोड़ो। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठा, जब तक अपना चित्त विरक्त न हो जाए तब तक उसका बारंबार विचार करो। जपना अपने अपना आत्मा हमें हमें अपना न लगने लगे तब तक आत्मा का बारंबार विचार करना। और यहाँ एक है एकत्व, अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है? एकत्व के प्रसंग में अज्ञानी पर में एकत्व करता है, ज्ञानी अपने एकत्व को जानता है। एकत्व और विवक दो शब्द हैं कि नहीं? तो पर से तो है विवक और अपने में है एकत्व, तो आप ज्ञानी अपने एकत्व को पहचानता है, अज्ञानी पर में एकत्व करता है। बताया था आपको, अज्ञानी घर बनाता है, घर बताता है, घर में रहता है, ज्ञानी घर पहचानता है। अपने घर को एक बार ऐसा पहचानो कि किसी घर में एकत्व न हो जाए कि हमारा घर तो है हमारे घर में। एक बार पड़ोसी होकर के अनुभव करो, घर है हम नहीं, हम गुस्सा में फोड़ेंगे नहीं, उन्हें तोड़ेंगे नहीं। हमारे तीर्थंकरों ने नगर को जंगल नहीं बनाया, जंगल में गए, नगर को जंगल नहीं बनाया, जंगल में गए, ठीक है, बुद्धि पूर्वक तो जंगल में गए, और वहां भी अगर उत्सर्ग आए तो अडिग रहे। तुम कहा समझे तो जंगल में शांति नहीं है, विशराकता में शांति है। जंगल में शेर की घाट देके डर जाओगे? जंगल में झरनों के दृश्य देख करके और वृक्षों के दृश्य देख करके बस आ आ आ करोगे? रागी जंगल में जाएगा तो वहां भी कुटिया बनाएगा। बैरागी जब को जब तक घर में रहने पड़ेगा तब तक भी बैराग भावना पाएगा। एक क्षण भी हमारा ज्ञान अभ्यास में न मन जाए,
अविच्छिन्न धारा, अखंड धारा। अखंड शांति चाहिए तो अखंड धारा चाहिए। पानी भी नहीं, दूध की तो बात ही नहीं है, दूध की तो बात ही नहीं कर रहे हम, अमर्यादित हो जाएगी वह। लेकिन पानी की नहीं, ज्ञान की अखंड धारा है। यह शांत धारा वो अखंड, कौन सी शांत धारा? पंडित जी आप शांत धारा नहीं करते, हम ही रोज करते हैं, समय करते हैं। अरे हमारी शांत धारा ज्ञानमय है। ये शांत धारा को तुम शांत धारा कह रहे हो वो हम नहीं मान रहे। हम शांत धारा किसको समझ रहे हैं? ज्ञान शांतिमय होता है, ज्ञान का अनुभवन वह अखंड शांत धारा है। जिसका ज्ञान अखंडित है उसकी शांति अखंडित है। और अखंडित कैसी अखंडित? बस इतना ही पढ़ेंगे। कैसी अखंडित? ये शांति को घोर उपसर्ग भी भंग नहीं करते। तुमने हमारी शांति भंग कर दी, ये कैसी शांति जो हम भंग कर दें? इन्हें हमारा उपयोग खराब कर दिया। ऐसा उपयोग जो खराब हो जा, हमने तो खराब होने वाला उपयोग पढ़ा नहीं। उपयोग खराबी को जानता है, उपयोग खराब नहीं होता स्वयं। एक कण का भी प्रवेश करके तो दर्पण में दिखाओ, दर्पण में एक कण को भी प्रवेश करके तो बताओ। नहीं हो सकता, एक उंगली को तो सीधी केली करके बताओ बाहर की ओर, भीतर तो ऐसे मोड़ लियो, अब बाहर कैसे मोड़ोगे? अरे बाई आंख फड़क रही है तो दाई को फड़का के बता दे। जड़ को चेतन करके बताओ, चेतन को जड़ करके बता, असंभव। जैसे ये सब कार्य अयोग्य कार्य नहीं हुई, चेतन के विधान में क्या लिखा? जैसे ये अयोग्य कार्य नहीं होते ऐसे ही आपको विकल्प नहीं। विचारना, देखो सवेरे एक बात कही थी, आध घंटे का खाया हुआ भोजन छह घंटे तब पछता जाकर, और खाए के सो गए तो पच को अजीर्ण हो जाए, समझ गए? अजीर्ण होगा फिर। इतनी देर का भोजन इतनी देर बचेगा? सीमेंट को सेट तो होंगे, पहले ही पानी जाती हो तो खाओ, ये बह जाएगा। ऐसे हम बेर बेर विचारना क्यों कह रहे हैं? वाचने से अनंत गुना पुरुषार्थ विचारने में है। सुना तो बहुत बार है लेकिन विचार नहीं किया। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत सुखो की गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। जब विचार में आता है तब आचरण में आता है, जब तक विचार में नहीं आएगा तब तक आचार में नहीं आएगा। श्रद्धा नोदित नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी, विचारता नहीं आएगी। 50 वर्ष उनके हो गए लेकिन 50 वर्ष विचार नहीं करना पड़ेगा। विचार अगर अंतर्मूर्त कर रहे हो गए तो काम बन जाएगा। इसलिए कहते बारंबार पढ़ो 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 नहीं, विचार विचार, सुनो 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 नहीं, विचार विचार होगा तो क्या होगा?
खोटा मिली भाषा बोलना न उनमें अधिकार मिलता है। जो जीव इस अवसर में तत्व विचार का उद्यम करेंगे उनके मोह मंद होगा, उनकी कथाएं मंद होगी, सम्यक दर्शन भी होगा और सम्यक चर्च भी होगा, और जो विचार नहीं करेगा वो उसको क्या होगा। तो इस जीव का तो मुक्त कर्तव्य तत्व विचार ही है। जो विचार नहीं करेगा उसको क्या होगा, अहंकार होगा। सुन लो कान लगा, हम सब जानते हैं, वो तो भूल ही गए, और हमें तो पूरा समझ में आता, बस उठ के भूल जाते, बस इतना है छो समा मारा। ईमानदारी से अपने दोस्त को स्वीकार नहीं करता, ऐसी दशा है। पानी तो पी रहे हो और कह रहे हो जल छाने जीवानी की सो पुण्य डाल जो दीनी, बस एक तो सुध हो, और नल चौटी मुंह में दे ये छानी बजाने की नहीं, ढूंढ के बोल रहे कंकड़ी जीवानी। ये तो आलोचना पाठ उसके लिए है जिन्होंने जल सहन करके जीवानी की और जीवानी यथास्थान नहीं पहुंच पाई, तब तक फैल गए। जल छान जीवानी जीनी सोन डाल दो, कहाँ डाल रही, जहां से नहीं लाई थी तो यकुआ से लाई, यकुआ में डाल दी, या घाट से वाली या घाट बता दी। इसके लिए बात चाहिए, मन कितना छोटा सा था और हम कहाँ हैं और पढ़ कर रहे। जल छाने जीवानी जीनी सोने डारे जो दीनी, तुमने तत्व विचार नहीं किया, इन बातों का विचार नहीं किया, स्वानुभव कैसे होगा। स्वानुभव नहीं होगा तो विचार तक कहां से आई, आकाश में चपक जाएगी, ग्रंथ में से आई। ऐसे ऐसे लोग हैं कैसे से क्या करें, वो छूटते ही नहीं है, अरे छोड़ते नहीं हो जी। बाबा जी ने तो पकड़ लो पेड़, कहे भैया शेर ये पेड़ छोड़ते ही नहीं हम, बाबा जी तुमने पकड़ो पेड़ को कि पेड़ ने तुम्हें पकड़ो, छोड़ दे तुम तो तुम्हें व्यापार ने पकड़ो कि व्यापार को तुमने पकड़ो, तुमने तुम्हें छोड़ना है कि तुम्हें इसको किसे तुम्हें छोड़ना है, कर्मों को तुमने बांधा है के कर्मों ने तुम्हें बांधा है, ये बता। कर्म तुम्हें हैरान कर रहे हैं के तुम कर्म को हैरान कर रहे, संग संग ले जा रहे। अरे तुम केवल अपने स्वरूप को भूल करके दुखी हो, कर्म तुम्हें दुखी कर रही है, ये उपचार का कथन है। कर्म दुखी करते हैं, ये उपचार का कथन भी इसलिए कहा गया है, दुखी होना तुम्हारा स्वभाव है। अब बदल रही ये कर्म हैरान करे सर, सीधी सीधी मान ली नहीं है, अलंकारिक भाषा है, साहित्यिक भाषा है, समझना चाहिए उसका अर्थ। जिनागम में नया अर्थ क्यों लिखा, ये व्यवहार नय का कथन है, आरोपित कथन है, तो आरोप क्यों किया गया, उसका प्रयोजन होगा कुछ ना कुछ। एक तो अज्ञानी को समझाने के लिए बाहर वाले को बाहर वाले समझाएंगे, और दूसरी बात बाहर को बाहर ही समझाना, भीतर मत मान लेना, घुसा लेना। इसलिए विचार करने के लिए बार बार कहते हैं, अगर विचार करोगे तो आचार बदलेगा ही बदलेगा, नियम है ये। विचार नहीं करेंगे तो ठीक है, कलों को ही हो या पतों को ही हो या नरों को ही हो, दीवी टाइम अपने टाइम पूरा हो जाए, जीवन पूरा हो जाए,
कार्य की तो विचार से बने। इसलिए देर लगती है, दिव्यंशों को देर क्यों नहीं लगती, देर उसका विचार करने लगती है। और हम, अरे हम तो बनने से हमें का विचार करना है, यही बात है। अरे यही बात है कि अपूर्व बात है, अपूर्व करण कहां से आएगा? अपूर्व करण ही नहीं आएगा तो अनिवृत्तिकरण कहां से आएगा? अनिवृत्तिकरण ही नहीं आएगा, अनिवृत्तिकरण तुझे बता तो अनुभव कहां से आएगा? तुम्हें वही जोड़ लो, तुमने वही बात है, हमें कहा सुनने, हमें कहा समझने, हमें कहा विचारने, दोहरा दो के नहीं, और दोहराए तो सब जने बैठ जाओ और हम दोहरा देंगे। भगवान इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है, क्या करें? साधक दशा में ये पाप नहीं हो जाएगी, ये पाप आगे नहीं बढ़ेंगे, इतना बड़ा पाप है। वे कहते बारम्बार विचार करो, तुम कहते हो दोहरा, हमने प्रवचन दोहरा हो तो वाक्यांश बढ़िया आएगी तो दोहराए रहेगी भैया ने, अरे भैया ने दोहराए तुम्हारे का काम है? समझ गए? विचार विश्व से विभक्त होने पर भी जो अपने को विश्व रूप करता है, विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अपना न मानता हो, कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसका कर्ता न मानता हो, ये ऐसी अधिवसान ही संसार का कारण है, बंध का कारण है। वे अधिवसान कैसे होते हैं? विचार ओम नमः हे वाणी भारती का महापर्व।